स्टार्ट करते हैं, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। नया चैप्टर स्टार्ट करना है और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस आज ये लास्ट थ्योरी का टॉपिक मैं अपना पूरा कर दूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। मतलब एटलीस्ट कम से कम हमें ये पता होगा कि थ्योरी इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। तो आज थ्योरी का स्कूल पर्सपेक्टिव से आखिरी लेक्चर है, वैसे चलता रहेगा। अभी टॉपलर्स इफेक्ट आपका लास्ट टॉपिक पेंडिंग है। हमने लास्ट टाइम कुछ बीट्स के एग्जांपल किए थे, बीट्स मैथमेटिकली कैसे जनरेट होती हैं और जो बीट्स हैं उनमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के कॉम्बिनेशन को एक बीट बोलते हैं, और बीट्स पीरियोडिक हैं, मैक्सिमाज पीरियोडिक हैं, मिनिमाज पीरियोडिक हैं, ये हमने डिस्कस किया। आज हम क्या करेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, तो ढूंढने की कोशिश मत करना कि डॉपलर किसे बोलते हैं, तो डॉपलर का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली साउंड के ऊपर काम किया था डॉपलर्स ने, साउंड एंड लाइट के ऊपर। एंड साउंड एंड लाइट के ऊपर क्या काम किया था कि सपोज कोई भी एक ट्रेन सामने खड़ी है और सपोज विसल बज रही है, उसमें से साउंड आ रही है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे को एक जैसी साउंड सुननी शुरू हो जाएगी। एक जैसी का मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो आवाज का चेंज होना, इसको बोलते हैं पिच। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जब पिच हाई हो जाती है तो जो साउंड है बहुत तीखी लगती है कानों को, पिच लो हो जाती है एकदम डाउन हो जाती है आपकी साउंड। मैं ये नहीं कहूंगा साउंड का एम्पलीट्यूड डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला साउंड का एम्पलीट्यूड डाउन हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं ये बता रहा हूँ कि साउंड की लाउडनेस, आवाज जो है वो ऊंची जो है, लाउडनेस हाई होगी, लाउडनेस लो होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि साउंड ऊंची हो जाएगी अगर ट्रेन चलती चलती मेरे पास आ जाएगी, नहीं। जिसका हॉर्न है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, उसकी श्रिलनेस बढ़ जाएगी, उसका तीखापन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या जो हॉर्न बज रहा है उसमें से साउंड अलग फ्रीक्वेंसी की निकलनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हॉर्न है वो तो खड़ी हुई ट्रेन में से भी वैसा बज रहा है और मूविंग ट्रेन में से भी वैसा बज रहा है, लेकिन अगर ट्रेन खड़ी हुई है तो तीखापन बढ़ेगा नहीं, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से कांस्टेंट साउंड मेरे कानों में जो ईयर में से पास होती जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है, मेरी तरफ आ रही है या मुझसे दूर जा रही है, तो वो जो श्रिलनेस है, जो तीखापन है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, इसको पिच बोलते हैं। इस अपेरेंट इफेक्ट को, अपेरेंट मीन्स असली में नहीं है, असली में साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो रही है, ये तो रिलेटिव मोशन की वजह से है। तो एक ऑब्जर्वर को लगता है कि शायद जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसका तीखापन बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में तो हॉर्न अपनी फ्रीक्वेंसी से ही बजाता जा रहा है, जो साउंड जो रिलीज कर रहा है वो अपनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करता जा रहा है, विच इज अ कांस्टेंट। बट ट्रेन के चलने की वजह से ऐसा अपीयर होता है, तो इस अपेरेंट इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है, देखो
देखो सबसे पहली चीज, अभी तक सिर्फ इसमें यह दिखाया वीडियो में अलग अलग तरीके से कैसे फ्रीक्वेंसी एकदम इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही एक मोटरसाइकिल पास करता है फ्रीक्वेंसी एकदम डिक्रीज होती है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक इसमें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सोनिक बूम्स का। सोनिक, जो सोनिक मीन्स साउंड, कई बार ऐसा होता है जो हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, हमारे कोर्स के बियॉन्ड है, पर फिर भी अगर मान लो आपका व्हीकल जो साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, अगर आपका व्हीकल 332 से तेज चल रहा है, अब क्या हुआ, हॉर्न बजा रहे हैं या फिर उसके चलने की वजह से आवाज आ रही है, तो क्या होगा, उस व्हीकल पहले पास कर जाएगा साउंड बाद में आएगी। पर ऐसा कब होता है, रॉकेट में, जब रॉकेट आप देखते हो पास कर गया और साउंड एकदम बाद में आएगी। स्पेशल केस किया जाए कि अगर रॉकेट की स्पीड इज ग्रेटर देन साउंड की स्पीड, तो साउंड बाद में आएगी, रॉकेट पहले जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर है। डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड में नहीं होता, डॉपलर इफेक्ट साउंड एंड लाइट दोनों में होता है। एक क्लिप साउंड की है, तो पहले साउंड को टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद एक और क्लिप है वो लाइट की है। और लाइट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट वीडियो से देखेंगे एक बार कि लाइट के अंदर डॉपलर इफेक्ट कैसे दिखाई देगा। सुनाई तो नहीं दे सकता ना, मतलब लाइट इज अ वेव ना, साउंड में तो आपने सुन लिया, आवाज तीखी हो गई, हल्की हो गई, आपको पता लग रहा है, लेकिन देखने में कैसे पता लगेगा। तो हाफ ऑफ द लेक्चर इसी के ऊपर होगा। आर्यन, चिराग, हरप्रीत, रजत नेगी, रोहन, सचिन, सृष्टि, देखो अब मैथमेटिकली देखते हैं इसे डॉपलर इफेक्ट को। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट में ऑफ साउंड में, रादर साउंड में, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन अपेरेंट पिच ऑफ साउंड। पिच मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड अ लिसनर। दोनों में से कोई भी मूव करेगा तो ऐसा इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, चाहे दोनों एक दूसरे के पास जाएं या दूर जाएं, या दोनों में से एक भी मूव करेगा तो भी इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। सो इट इज फाउंड दैट पिच ऑफ साउंड अपीयर्स मोर व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर एंड अपीयर्स लेस व्हेन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट जो हमने करना है, इसी चीज को एक डायग्राम से एक्सप्रेस किया गया है कि सायरन बज रहा है पुलिस का और एकदम जो ये लाइंस क्लोज हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और लाइंस जो है थोड़ी ओपन है पीछे वाले हिस्से में इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो हम अब मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। मैथमेटिकली करने के लिए आप एक चीज ध्यान से सुनो, मैं कौन कौन से केसेस मैं डिस्कस करने वाला हूं इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला केस जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मैं हूं सुनने वाला, सोर्स एक हॉर्न है जहां पर हॉर्न लगा हुआ है और एकदम वो साउंड जो एक कोई हॉर्न बजा रहा है वो सोर्स है। बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सोर्स को मैं हॉर्न नहीं बोलूंगा, लेट अस अज्यूम कि एक ट्रेन है, ट्रेन एक सोर्स है जिसके ऊपर हॉर्न लगा हुआ है। ट्रेन से लेना देना नहीं, कार भी ले सकते हो, बट हॉर्न एक काम की चीज है। तो एक ट्रेन खड़ी हुई है और मैं खड़ा हुआ हूं, तो एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर या लिसनर है। हम मैथमेटिकली क्या करने वाले हैं, पहला काम, सपोज मैं ट्रेन के पास जाता हूं, ट्रेन रेस्ट पे है, ठीक, और हॉर्न ट्रेन ही बजाएगी,
क्या होगा उस केस में, अगर मैं ट्रेन के पास जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी मेरे को ज्यादा सुनाई देगी, पहला केस। दूसरा केस, ट्रेन खड़ी हुई है, मैं ट्रेन से दूर जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी मुझे कम सुनाई देगी, दूसरा केस। तीसरा केस हम करेंगे, मैं खड़ा हुआ हूं, ट्रेन मेरे पास आ रही है, सोर्स मेरे पास आ रहा है, और चौथा केस, सोर्स मुझसे दूर जा रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। चार केस हो गए। पांचवा केस, ट्रेन मेरे पास आ रही है, मैं ट्रेन के पास जा रहा हूं, और नेक्स्ट केस, ट्रेन मुझसे दूर जा रही है, मैं ट्रेन से दूर जा रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट केस, ट्रेन आगे जा रही है, मैं ट्रेन के पीछे जा रहा हूं, और लास्ट केस है कि मैं आगे भाग रहा हूं और ट्रेन मेरे पीछे भाग रही है। रिलेटिव मोशन है सब में, क्लियर है यहां तक? तो इन सब में डॉपलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, कोई डाउट इसमें? तो एक एक करके कंसिडर करें। तो पहला केस है, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, ट्रेन रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है, एंड लिस्ट, सॉरी पहला केस है, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन, चलो ये कर लेते हैं, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन एंड लिसनर इज एट रेस्ट। हर एनालिसिस इसका कैसे होगा, देखो इसको करने के लिए सपोज, इधर देखो प्लीज, ये आप नोट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट इसमें जगह बनी हुई है, बुकलेट में करना, बुकलेट में करना, नहीं तो रजिस्टर पढ़ोगे नहीं ना। जो मैंने मैथमेटिकल टॉपिक मैंने दिया हुआ है, मैं ये इसको पढ़ के शायद आपको अजीब लगे, कैसे अजीब लगे देखो, बहुत ब्रीफ, बहुत ज्यादा ब्रीफ में गिवन है आपके बुक्स में, जैसे ये गिवन है, इसमें ये कहा गया है कि सपोज करो एक मिनट के लिए कि वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड की स्पीड कोई चेंज नहीं कर सकता, ट्रेन की स्पीड चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, तो इसमें तीन स्पीड्स अपना रोल प्ले करेंगी, एक सोर्स की स्पीड, एक लिसनर की स्पीड, और एक साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो वी रहेगी। तो इसमें सपोज वी वेलोसिटी से साउंड निकली, लेकिन जब निकली तो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया। जब ट्रेन चली तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या कंसिडर की जाएगी, वी माइनस यूएस, यूएस का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एज्यूमिंग कि ट्रेन की स्पीड सोर्स की स्पीड साउंड से ज्यादा इसमें नहीं है। ये पूरा जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो यही एज्यूमिंग है कि जो ट्रेन की स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, वो साउंड स्पीड से एक्सीड नहीं करेगी। तो ये उसकी नेट वेलोसिटी आ गई, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज न्यू, तो यहां से देयर इज अ अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो अगर ये सपोज आपकी आपका जो ट्रेन है वो चल नहीं रही, यूएस जीरो हो गया, तो वी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा की वैल्यू एज इट इज वही आ जाएगी जैसे हम नॉर्मली साउंड के लिए अप्लाई करते हैं, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पर क्योंकि ये चल रही है ट्रेन या सोर्स चल रहे, तो वी माइनस यूएस, अगर यहां न्यूमिनेटर चेंज होगा तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर ऑब्जर्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, ऑब्जर्वर क्योंकि देयर इज सम चेंज इन वेवलेंथ, तो जो ऑब्जर्वर है उसको फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, क्योंकि ऑब्जर्वर को वेवलेंथ डिफरेंट सुनाई दे रही है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन लैम्डा डैश। तो जब आप लैम्डा डैश की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास ही आंसर आएगा, बट ये एनालिसिस ठीक नहीं है, बहुत ही ब्रीफ में है, इसको एक्चुअल पिक्चर से क्लियर करते हैं, इसको साथ साथ लिख लेना। सपोज करो हम केस कर रहे हैं, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक। सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वर, दिस इज अ सोर्स एस, एंड सपोज अगर सोर्स रेस्ट पे हो तो वो ये साउंड रिलीज करेगा। अभी मान लो कोई मोशन में नहीं है, इसको जरा और डिटेल में करते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला किया उससे आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में क्या किया उसने, इसे समझ आएगा जो मैं बताऊं। मान लो ऑब्जर्वर चल नहीं रहा, सोर्स चल नहीं रहा, सोर्स खड़ा खड़ा साउंड निकाल रहे, तो साउंड की वेव जनरेट हो गई, ठीक है ना। यहां तक साउंड की वेव जो जनरेट हुई तो एक वेव एक टाइम पीरियड में एक वेव जनरेट हो गई, ठीक। हॉर्न बजेगा, हॉर्न एज्यूम करो इज एन ऑसिलेटर, जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशंस जनरेट कर रहा है, जिससे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर ऑसिलेटर ही मूव करना शुरू कर देगा तो देखो क्या होगा, ठीक। लेकिन उससे पहले ये बना लो, यहां से लेके यहां तक जो एक वेव है उस ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा नॉट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, यहां तक।
नेक्स्ट एक चीज और बनाओ यहाँ पर, मान लो एस अगर मोशन में है और सपोज एस ने अपनी पोजीशन चेंज की फ्रॉम एस टू एस डैश, एस टू एस डैश, और सोर्स की मूव करने की जो स्पीड है सपोज वो कितनी है, वी एस, वी एस वेलोसिटी से सोर्स मूव कर रहा है लेट अस अज्यूम, तो एक टाइम पीरियड में, मैं रिपीट कर रहा हूं, या एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन समझ लो, एक ऑसिलेशन का मतलब है एक वेव जनरेट हो गई, एक ऑसिलेशन का मतलब एक वेव जनरेट हो गई, तो एक वेव जब जनरेट करनी है उसमें एस से लेके एस डैश तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, वी एस इंटू टाइम पीरियड टी, एक वेव बनने में कितना टाइम लेगी, कैपिटल टी टाइम लेगी ना, तो एस इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड ऑफ सोर्स तो कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं कर, एक्सेलरेट थोड़ा ना कर रहे, कॉन्स्टेंट है, तो जितनी देर में एक वेव बनती है उतनी देर में सोर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वी एस इंटू टी, या फिर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं वी एस इंटू वन अपॉन न्यू नॉट, वन अपॉन न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द एक्चुअल या ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक, जो जो साउंड है जो एक्चुअल हॉर्न से निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, लेकिन सुनने वाले को न्यू नॉट नहीं सुनाई देगी, कुछ न्यू सुनाई देगी, वही मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, ये स्टेप क्लियर है सबको याद है, कि साउंड जो जनरेट हो रही है वो तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जनरेट हो रही है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से, और जो आपकी साउंड है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नॉट है। अब क्या होगा, अब देखो अगर मूविंग सोर्स एक वेव जनरेट करेगा एक ऑसिलेशन में, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये दो घंटे में या एक सेकंड में या दो सेकंड में नहीं कह रहा, एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस का कितना फर्क पड़ा हम ये कंसिडर कर रहे हैं, तो एक जो वेव है, एक वेव अगर ये सोर्स चल रहे तो जहां से चल रहे वेव वहीं से जनरेट होने वाली है, और एक ऑसिलेशन में कितना फर्क पड़ रहा है, एक ऑसिलेशन में कितना फर्क पड़ रहा है ये मैंने बनाने की इसमें कोशिश की है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां से लेके यहां तक दिस इज लैम्डा एपरेंट, लैम्डा एपरेंट का मतलब कि अगर ये सोर्स ना चलता, मान लो एक मिनट के लिए, ठीक, और अगर ये ना चलता एस डैश की जगह एस पे रहता, एस पे रहता तो वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा नॉट थी, आपने नोट किया, मैंने जितने डायग्राम दिखाए उसमें ना मैंने उनको लाइंस को क्लोज 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 किया, पीछे से थोड़ा दूर 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 किया, ये शो करने के लिए कि वेवलेंथ के अंदर भी चेंज है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी ऑब्वियसली चेंज होगी, तो इसमें मैं ये शो कर रहा हूं कि वैसे तो पल्स ऐसी बननी थी, लेकिन एक ऑसिलेशन में अगर चलती चलती ट्रेन एक ऑसिलेट करे तो एस से लेके एस डैश उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, Vs into 1 by mu not distance cover करे, जिसकी वजह से जो wavelength lambda not होनी चाहिए थी वो lambda net not नहीं हुई, वो कितनी हो गई, वो कितनी हो गई, lambda apparent हो गई, and अगर मैं lambda apparent की value निकालूं, lambda apparent की value निकालूं, this will be equal to lambda not minus Vs divided by mu not, या फिर lambda not की जगह मैं लिख सकता हूं v is equal to velocity of sound, क्या होती है v for velocity of sound, v is the velocity of sound is equal to nu not into lambda not, ये तो actual formula true है ही है ना, जो है sound के लिए, तो अगर आप sound से पूछोगे कि sound की velocity कितनी है, sound बोलेगी मेरी velocity v है, और v किसके equal है, nu not into lambda not है, sound के accordingly तो wavelength lambda not है, sound के accordingly जो frequency है वो nu not है, पर observer के according ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली क्या है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है, लैम्डा एपरेंट सुनाई देने वाली है, जो कि लैम्डा नॉट से कम है, तो लैम्डा नॉट की जगह मैं पुट कर सकता हूं वी डिवाइडेड बाय न्यू नॉट माइनस वी एस ऑन न्यू नॉट, ठीक है आदर, तो यहां से ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंगली लैम्डा एपरेंट निकल रहा है, लैम्डा ऑफ एपरेंट की जो वैल्यू निकली उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी माइनस वी एस अपॉन न्यू नॉट, अब अगर आप ऑब्जर्वर से
ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अपरेंट. देखो वी कभी चेंज नहीं होगा, प्लीज वी नहीं चेंज करना, स्पीड ऑफ साउंड नेवर चेंजेस, इज चेंज इन वेवलेंथ एज वेल एज चेंज इन फ्रीक्वेंसी. वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज क्लियर है. लैम्डा अपरेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, हम यहां उठा के पुट कर देते हैं वी डिवाइडेड बाय, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है इसको पुट कर देते हैं वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट. आंसर आ गया, चेक करो आपके असाइनमेंट के अंदर पहला केस यही प्रूफ किया हुआ है ना, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट. जिसे मर्जी कर लो, उससे करना है उससे कर लो, इससे करना है ये ज्यादा बेटर है, इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है एक्चुअल डायग्राम से एग्जैक्टली जो एक वेव है उसमें एग्जैक्टली क्या फर्क होने वाला है. देखो वैसे तो साउंड है, साउंड को मैंने ट्रांसवर्स से रिप्रेजेंट किया जरूर हुआ है, पर साउंड इज अ लॉन्गिट्यूड, समझाने के लिए ट्रांसवर्स है, पर अदरवाइज तो क्या हो रहा है, अदरवाइज तो जब एक मोशन में कोई चीज है तो पार्टिकल्स के बीच में कंप्रेशन रेरिफेक्शन में उतना डिस्टेंस नहीं जितना लैम्डा नॉट पहले था, तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया. ये एग्जांपल है, तो बेसिकली तो प्रेशर ज्यादा डेवलप हो गया ना चलने की वजह से, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, थोड़ी सी छोटी हो गई, जिस वजह से देयर इज अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो आपके पास ये आपके पास लैम्डा अपरेंट आ गया, लैम्डा सॉरी फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई जिसकी वैल्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस या यू एस इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अब एक चीज ध्यान से देख लो, न्यू अपरेंट अपॉन न्यू नॉट इज वी अपॉन वी माइनस वी एस, बिकॉज मैथ्स में न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन वन, तो न्यू अपरेंट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. तो क्लियर है यहां तक, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन मेरे पास आ रही है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर साउंड की न्यू नॉट है तो मुझे न्यू नॉट से ज्यादा सुनाई देगी, इतनी न्यू अपरेंट. अगर एक स्पेशल केस कर लेते हैं चेक करने के लिए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, एक काम करो, ट्रेन मूव नहीं कर रही, सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा, इसको उठा के जीरो, वी से भी क्या हो जाएगा कैंसल, इसका मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी न्यू नॉट. अगर ट्रेन चलेगी नहीं फिर लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा ट्रेन का, तो ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैम्डा अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही. पॉइंट क्लियर है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है. ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट. ठीक है, यहां तक कौन सा केस है, जब सोर्स मूव कर रहे टू वर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर. ठीक हो गया, सपोज करो इसी में अगर सोर्स मूव कर रहे वी एस, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, साउंड की फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी वी है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो फॉर्मूला न्यू डैश का या न्यू अपरेंट का वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट हमने किया. मान लो अब ऐसा केस है कि ये जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में इसको क्या लगा देना है, इसके आगे माइनस, माइनस साइन का मतलब कि इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, रिवर्स कर ली, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू. ये पॉइंट क्लियर है, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं करना. अगर ट्रेन पास आ रही है तो डिनोमिनेटर में वी माइनस वी एस, और अगर दूर जा रही है तो वी प्लस वी एस. ठीक है यहां तक, और क्योंकि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज लेस देन वन, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी इस फ्रीक्वेंसी से. मैथ्स लगा ले, दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें, ये तो आपकी असाइनमेंट में लिखा हुआ है मैंने इसमें. ठीक है, पीछे वाला इसमें ये बताया गया है, आपने एक ऑसिलेशन देखनी है, एक ऑसिलेशन जब एक वेव बनती है बाकी क्या बन रही है उस पर छोड़ दो. जब एक वेव मान लो क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स हैं, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, मैं एक बार इनको हिलाता हूं ना तो यहां से लेके वहां तक एक वेव बिल्कुल एंड स्टूडेंट तक वेव जनरेट होती है. मैंने क्या किया, मैंने पार्टिकल्स को कैसे हिलाया, ऑसिलेटर अभी तो रेस्ट पे है, रेस्ट मीन उसकी वीएस तो है नहीं, बस मूव करवा रहा हूं आप लोगों को मैं. अगर मैं आपको आगे बढ़ के मूव करवाऊं तो क्या होगा, उस केस में
एक पल्स जब तक ट्रेवल होती थी उसमें अफेक्ट आ जाएगा। कैसे अफेक्ट आएगा? क्योंकि मैंने खुद अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वेव जनरेट होने वाली है वो तो मेरे से जनरेट होने वाली है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कहां ऐसे होना था कि एक पल्स बना के मैंने छोड़ दी, अब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एक पल्स बना भी रहा हूं और साथ में मैं मूव भी कर रहा हूं। तो अगर मैंने एक पल्स बना के छोड़ दी तो ये जो मान लो एक रोप है हाथ में पकड़ा हुआ है, मैंने हाथ में पकड़ के इस रोप को मैंने भागना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ वो जो रस्सी है वो थोड़ी सी टाइट, उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप ऐसा करो, एक रस्सी ले लो, बांध लो, हिलाओ, वेव जाएगी। आप एक काम करो, आप भागना शुरू कर दो और उसको भाग भाग के हिलाओ, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ज्यादा लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इमेजिन करो सेम सिचुएशन, ठीक है ना। तो वही बनाया मैंने कि एक वेव यहां तक बनती थी, ठीक है, भागते भागते बना रहा हूं तो वेव यहां से बनेगी, लेकिन एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड तो यहां से यहां तक ही रहेगा चलने में, ठीक। तो एक ऑसिलेशन में कितना चेंज कर दिया मैंने उस वेवलेंथ को, उसकी वजह से सुनने वाले को फर्क पड़ रहा है। ऐसे एग्जांपल ज्यादा क्लियर है ना, कि अगर मैं भागूंगा तो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऑपोजिट में बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। ऑपोजिट में यही वेवलेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? और एक मुझे याद दिलाना, मैंने एक वीडियो दिखाना है आपको नोड्स एंटी नोड्स का, अभी मुझे अभी टॉपिक खत्म होने दो, अगर मैं भूल गया मैं दूसरे बैच में दिखाया था, आपको नहीं दिखाया था शायद, नोड एंटी नोड एक्चुअल में कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी वीडियो है मेरे पास। तो यहां तक क्लियर है? तो सेकेंड केस इज न्यू डैश इज वी अपॉन वी प्लस यूएस इंटू न्यू, तो मैंने बता दिया आपको। थर्ड केस, वेन सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज इन मोशन, सुनने वाला ट्रेन के पास भाग रहे हैं, ट्रेन खड़ी हुई है, सोर्स खड़ा हुआ है। अब इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हूं, ट्रेन वहां पर खड़ी हुई है, और सपोज साउंड की वेव्स आ रही है। एक ध्यान से देखना, इमेजिन करना, क्योंकि ये सब मेरे बोलने और आपके सोचने पर डिपेंड करता है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आ सकता। ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, सोर्स रेस्ट पे है, लिसनर रेस्ट पे है, वेव निकल रही है, ठीक। और क्या हो रहा है, मैं इस वेव को सुन रहा हूं, ठीक। ध्यान से देखना, मैंने किसी ने मुझे हाथ में टाइमर दे दिया, घड़ी दे दी, और मुझसे ये कहा एक सेकेंड में काउंट करके बताओ कि ईयर्स में से कितनी वेव्स क्रॉस कर गई। वेव का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, या कंप्रेशन या रेडिफ्रैक्शन, एक ही बात है। तो एक सेकेंड में सपोज 10 कर गई, 10 क्रॉस कर गई, तो यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। एक सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड केस देखना, किसी ने कहा कि ट्रेन खड़ी है, अब चलना स्टार्ट कर दो, अब काउंट करो चलते चलते एक सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर गई, क्या 10 आंसर आएगा? नहीं, ज्यादा आएगा, 10 से ज्यादा, ठीक है ना। यहां तक इमेजिन कर रहे हो इस चीज को, इसमें जब खड़ा हुआ हूं तो 10 वेव क्रॉस कर ही रही है, और अगर साउंड की तरफ भागना शुरू कर दूं तो रिलेटिव मोशन की वजह से ज्यादा साउंड ज्यादा वेव क्रॉस करनी शुरू कर देंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मुझे ज्यादा सुनाई देगी। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? और इस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, डिपेंड करेगा कि मैं कितनी तेज भाग रहा हूं, इट विल ऑल डिपेंड कि मैं कितनी तेज भाग रहा हूं, और मैं जितनी तेज भागूंगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। इमेजिन करो मैं कार में जा रहा था, कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आर थी, कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कॉन्स्टेंट, हाईवे पे ट्रीज थे रास्ते में, और ट्रीज चलते तो नहीं है बट अपीयर होता है कि वो हमें क्रॉस कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ट्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। अगर कार की स्पीड बढ़ जाए तो नंबर ऑफ ट्रीज जो क्रॉस करेंगे पर सेकेंड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम कहानी है, सोचो ट्रीज नहीं है, ट्री नहीं है, ट्री एक वेव है, तो कहां अगर मैं खड़ा हुआ हूं और सोचो ट्री चल रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, वेव एक वेव और ट्री इमेजिन करो, और मेरे को मेरे कानों के यहां से पास हो रही है, और अगर मैं तेज भागना शुरू कर दूंगा जितनी मेरी स्पीड है उसी स्पीड के हिसाब से
वेव क्रॉस होनी शुरू हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा है, फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो न्यू के इक्वल होती जब मैं चलता ना। अगर मैं चलना शुरू कर दूं और मैं कितनी स्पीड से चलना शुरू कर दूं, यू नॉट, नॉट मीन्स ओ, ओ मीन्स ऑब्जर्वर, तो मैं यू नॉट स्पीड से चलना शुरू कर रहा हूं और एक वेव की लेंथ कितनी होती है, वेव लेंथ लैम्डा, तो मैंने कितनी एक्स्ट्रा वेव्स पास की। देखो ना, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की टर्म में फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूं, एक सेकंड में इतनी वेव तो क्रॉस कर ही रही थी, एक्स्ट्रा इतनी क्रॉस कर जाएंगी तो मुझे कितनी सुनाई देंगी, न्यू डैश सुनाई देंगी। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं चल नहीं रहा, इसको जीरो पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। पर क्योंकि मैं चल रहा हूं, ट्रेन के पास चल रहा हूं, सोर्स के पास चल रहा हूं, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू तो सुनाई देगी एक सेकंड में, साथ में मेरी स्पीड के अकॉर्डिंगली इतनी भी सुनाई देगी। ये क्वेश्चन क्लियर? और मुझे पता है v इज न्यू लैम्डा, मैंने पुट कर दिया लैम्डा की जगह v अपॉन न्यू, न्यू ऊपर आ गया, कॉमन निकाल लिया, आंसर। तो मेरे को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, बिकॉज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है तक? और अगर मैं चल नहीं रहा, मैंने बताया अगर मैं मोशन में नहीं हूं तो इसको क्या पुट कर देना, जीरो, v बाई वी क्या हो जाएगा, वन, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, आंसर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आंसर वही आ जाएगा, न्यू के न्यू इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और अगर ट्रेन खड़ी हुई है, सोर्स खड़ा हुआ है और मैं पास नहीं जा रहा हूं, मैं उससे दूर जा रहा हूं, तो कुछ भी नहीं करना, यू नॉट की जगह आपने क्या कर देना है, माइनस। क्लियर है यहां तक? यू नॉट की जगह माइनस यू नॉट। तो नेक्स्ट केस क्लियर है ना, लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स में यू की जगह माइनस यू नॉट आंसर। ये भी क्लियर है केस? यानी कि चार केस क्लियर हो गए ना, फोर केसेस मैंने आपको बता दिए। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर इन मोशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पूरे डॉप्लर इफेक्ट को, कोई केस के बारे में प्रूव करना आ सकता है। डॉप्लर इफेक्ट आएगा, नोड एंटी नोड आएगा या बीट्स आएंगी, स्कूल के अंदर क्या आएगा और कंपटीशन में क्या आएगा, सॉल्व करके देखो। बुक कितना बोला था, 30% फॉर्म से, यही बोला था ना मैं आपके बैच में, 30-35 क्वेश्चन से ऊपर सॉल्व नहीं होंगे फॉर्म से आज की डेट में। बहुत सारे टॉपिक, कम से कम 5-6 टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी करवाए नहीं, जो किसी बुक में भी नहीं गिवन है, नॉर्मल बुक में गिवन ही नहीं होते हैं टॉपिक्स, थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स में से, एडवांस बुक्स में से ही हैं जो टॉपिक्स आते हैं, और वो AIEEE और IIT में जरूर आते हैं, PMT में नहीं आते, आपको बस यहीं तक है, आपका तो बहुत ही सिंपल आता है। आपको दिखाता हूं आपको क्या क्वेश्चन आया है, ज्यादा क्लियर है?
व्यूअर्स एंड लिसनर आर इन मोशन. देखो एक एक करके करेंगे, इसे ध्यान से देखना प्लीज. सपोज लिसनर रेस्ट पे, सोर्स मूव कर रहे लिसनर की तरफ, मतलब ये हम कौन सा केस कर रहे हैं, वीएस या यूएसए की बात है, यू ऑफ एस और वी ऑफ एस, एंड वी नॉट या यू नॉट आर इन मोशन एंड आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. केस याद रखना ठीक है. सपोज मैं मूव नहीं कर रहा, मैं रेस्ट पे हूं और ट्रेन मूव कर रही है, तो बोलो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर नहीं हुए तो मेरे को कितनी सुनाई देगी, न्यू डैश, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी माइनस यूएस इंटू न्यू. ये ना, तब जब मैं मूव नहीं कर रहा, सिर्फ कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है मेरी तरफ. अब सोचो मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सुनाई दे रही है, मैंने भी चलना शुरू कर दिया ट्रेन की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से भी ज्यादा सुनाई देगी, न्यू डबल डैश. अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सुनाई दे रही है और मैं भी चलना शुरू कर देता हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ यू नॉट, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, न्यू डबल डैश. फॉर्मूला वी प्लस यू नॉट अपॉन वी इंटू न्यू डैश, बिल्कुल ठीक है यहां तक. अब अगर दोनों मोशन में है, न्यू डैश का मतलब है, न्यू डैश मीन्स कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जब सुनाई देगी जब ट्रेन मोशन में, ठीक. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू, प्लीज ऋषभ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू, ट्रेन के चलने की वजह से न्यू डैश और मेरे चलने की वजह से न्यू डैश से भी न्यू डबल डैश. पहला स्टेप क्लियर है, इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ कौन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है. इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि न्यू डैश से भी फ्रीक्वेंसी न्यू डबल डैश है, इस न्यू डैश की वैल्यू को उठाओ और यहां पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर है यहां तक, वैल्यू से पुट करनी है, न्यू डैश की वैल्यू ऊपर से निकालो नीचे पुट कर दो, आंसर आ गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर एकदम. मैं बता देता हूं, सुनो इसका,
आप ध्यान से देखना, जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको एक्चुअल में इस फॉर्मूले को डॉपलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर आपने कॉम्पिटिशन में जाना हो ना, तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। एक सोर्स मोशन में है, ऑब्जर्वर मोशन में, एक दूसरे की तरफ है, तो बोलो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आया, वी माइनस यू नॉट वी प्लस वी एस या यूएस जो भी है इंटू न्यू। कोई डाउट इसमें, ये फॉर्मूला है क्या, उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है ये लिखा है उल्टा, कैसे ये लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब यूएस मोशन में, ना ना अगला केस नहीं कर रहा, मैं वही केस कर रहा हूं पुराना जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, यूएस एंड यू नॉट, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी इतनी, ये सब क्लियर है, कब, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन में। अब ध्यान से देखना, अगर किसी ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की उसकी वेलोसिटी के आगे माइनस लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है यहां तक। मान लो कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें यूएस तो इसी तरफ है, सोर्स ने डायरेक्शन चेंज नहीं की लेकिन ऑब्जर्वर ने कर दी, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में वी प्लस यू नॉट की जगह वी माइनस यू नॉट वी माइनस यूएस इंटू, क्लियर है यहां तक। और अगर डायरेक्शन कौन चेंज करता, अगर मान लो इसने डायरेक्शन चेंज की, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर दी मान लो इस तरफ, तो इस फॉर्मूले में मैं इसको भी क्या पुट कर दूंगा, क्लियर यहां तक, कुछ भी नहीं करना, बस एक केस याद करके जाना है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, जिसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की उस वेलोसिटी के आगे क्या लग जाएगा, क्लियर यहां तक, कोई डाउट। एक और चीज यहां से देखना, क्लियर, ठीक है ना, एक और केस देखना, न्यू डैश इज फॉर्मूला है वी प्लस यू नॉट वी माइनस यू एस इंटू न्यू। इमेजिन करो एक मिनट के लिए, ये फॉर्मूला कब है, जब ये मोशन में है और ये भी मोशन में एक दूसरे की तरफ, सोचो ये चल नहीं रहा, रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो, बन गया ना वही फॉर्मूला, जब ट्रेन मूव कर रही थी लिस्नर रेस्ट पे था, बन गया फॉर्मूला। अब इमेजिन करो कि इसमें ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मोशन में, यानी कि यू नॉट की वैल्यू तो मुझे लेनी लेनी है, लेकिन ये रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, सारे केस निकलने शुरू हो गए ना इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया ना, अगर कोई भी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, जो बचा वो फाइनल आंसर। पॉइंट क्लियर है, यानी कि इस फॉर्मूले से सारे केस निकाले जा सकते हैं, कौन मूव कर रहा है, अगर किसी को रेस्ट पे लेके आना है उसकी वेलोसिटी को जीरो, कोई डाउट इसमें। तो जो चार केस हमने पहले किए थे उन चार केस कैन बी प्रूव फ्रॉम दिस केस, कोई डाउट यहां तक, समझ आ रहा है यहां तक। और लास्ट केस, व्हेन विंड इज ब्लोइंग, When wind is blowing, देखो आपने ये याद नहीं करना प्लीज कुछ भी, जो फॉर्मूला हमने सारे किए, हवा के चलने से ना तो सुनने वाले की स्पीड को कोई फर्क पड़ सकता है, ना ही ट्रेन को कोई फर्क पड़ सकता है, किसको फर्क पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड को फर्क पड़ेगा। अगर मान लो ट्रेन मेरे पास आ रही है और मैं ट्रेन के पास आ रहा हूं, कोई भी एक केस ले लो, हम हर केस में हर फॉर्मूले में स्पीड ऑफ साउंड को वी पुट करते जा रहे हैं, और अगर v इस तरफ है और विंड भी इसी तरफ चल रही है तो साउंड की स्पीड क्या होगी, v प्लस w, साउंड की स्पीड में तो फर्क पड़ जाएगा ना, अगर हवा चलनी शुरू हो गई तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस w, और अगर विंड साउंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो v की जगह v माइनस w, समझ आ रहा है यहां तक। तो जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए जिसमें v v v यूज किया, तो या तो v प्लस w या v माइनस w,
अगर मान लो हवा ऐसे चल रही है, डब्ल्यू इधर चल रहा है, वी इधर है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो वेक्टर सम स्पीड ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू कॉस ऑफ 60। तो वेक्टर सम लेके जो भी स्पीड ऑफ साउंड आएगी उसके साथ आपने न्यूमेरिकल करना है, ठीक है? यहां तक तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसके इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो मेरा क्वेश्चन होगा थोड़ी देर में, रुको, ठीक? अगर और हाँ, मैं क्लियर कर देता हूं, डॉपलर इफेक्ट जो हमने किया उसके अंदर एक अजम्पशन है, आप अगर सोर्स हो, मैं लिसनर हूं तो एक ही लाइन में है, अगर आप ऐसे निकल गए और मैं यहां खड़ा रह गया तो फिर क्या करना है उसका एक न्यूमेरिकल है, अभी कराऊंगा उसका, क्या करना है, 2 मिनट, ठीक है? यहां तक लास्ट है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक? लाइट का इफेक्ट शो कैसे किया जा सकता है इसको एक बार देखते हैं, तो लाइट के इफेक्ट से, हाँ मैं अकॉर्डिंग दिखानी है, 2 मिनट, दो दिखानी है, मैं 2 मिनट, 2 मिनट रुको, पहले एक बार मैं खुद ही एक बार करवा दूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आएगा, ठीक? इसमें तो चीजें ऐसी हैं जो ना समझ नहीं आएंगे, वो कलर कैसे चेंज हो रहे हैं बताना चाहता हूँ। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में द फिनोमेना ऑफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। कुछ भी नहीं करना, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, और अगर लाइट में ऐसा होता है तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। लाइट में कैसे हो सकता है, एक स्टार है, हम अर्थ में, स्टार हमारे पास आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा दिखाई देगी, सुनाई नहीं दिखाई देगी जितनी लाइट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो कैसे पता लगेगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, उसका कलर चेंज हो जाएगा, नहीं, हर कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो जब अफेक्ट होता है डॉपलर का, तो साउंड में तो आवाज चेंज होती है लेकिन लाइट में कलर चेंज हो जाएगा, तो अगर कलर चेंज हो रहे हैं इसका मतलब देयर इज सम रिलेटिव मोशन। तो इसको करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है, न्यू डैश सपोज करो वी इज द वेलोसिटी ऑफ, आप ये कह सकते हो स्टार, जो स्टार चल रहा है, या इसमें देखो कौन कौन चलेगा, मैं अगर देख रहा हूं किसी चीज को तो मैं रेस्ट पे, वैसे तो देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टार एंड अर्थ ऑल्सो, बट हम हमेशा ये मानते हैं न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि अर्थ इज लाइंग एट रेस्ट, तो इसलिए अगर स्टार चल रहे हैं तो हम उसको अपने आप को रेस्ट पे मानते हैं, तो ये वेलोसिटी स्टार की वेलोसिटी है, स्टार पास आ रहा है, स्टार दूर जा रहा है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लाइट की कितनी है, न्यू है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, सी 3×10^8। तो एक डॉपलर का एक फॉर्मूला है, बिल्कुल जैसे साउंड में बना हुआ, आपने याद करना है, कुछ भी नहीं है वैसे तो, क्लियर है कि अगर स्टार पास आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वी, सेम केस जैसे वो ऑब्जर्वर पास आ रहा था, उससे ज्यादा वेव्स सुनाई देंगी, इसमें दिखाई देंगी, सेम चीज है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है न्यू की जगह न्यू डैश हो जाएगी, और न्यू डैश की वैल्यू इज 1+V/C×U। क्लियर यहां तक, ठीक? तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब स्टार हमारे पास आ रहे, अप्रोच कर रहे, और अगर स्टार दूर जा रहे तो वी प्लस वी की जगह माइनस वी, प्लस वी की जगह माइनस वी, कंबाइन कर दो दोनों फॉर्मूलास को, न्यू डैश इज 1+ माइनस, प्लस माइनस का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डिपेंडिंग कि स्टार पास आ रहा है या स्टार दूर जा रहा है, ठीक हो गया यहां तक, इनटू न्यू, कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट ध्यान से देखना, अब डॉपलर शिफ्ट किसे बोलते हैं, पिछले फॉर्मूले में न्यू, इसको ओपन करते हैं, न्यू डैश इज, इसको मल्टीप्लाई करो, न्यू प्लस माइनस वी बाय सी इंटू न्यू, ओपन कर दिया, या फिर न्यू डैश माइनस न्यू प्लस माइनस वी बाय सी इंटू न्यू, दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। डॉपलर शिफ्ट इन व्हाट, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट कितना आ रहा है, न्यू डैश माइनस न्यू, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है।
को माइनस किया तो मेरे पास क्या, मैं इसको डेल्टा न्यू लिख लूं, डेल्टा न्यू इज प्लस माइनस वी बाई सी इंटू न्यू, दिस इज डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया यहां तक? अब डिपेंडिंग कि स्टार पास आ रहा है या स्टार दूर जा रहा है तो डेल्टा न्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा न्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अब सपोज करो मेरे को एक चीज पता है, ये मैंने संभाल के रख लिया, जो मैंने इक्वेशन है वो मैंने ऐसी रख ली। अब ध्यान से देखना एक मिनट, इसके बाद मुझे मालूम है कि लाइट के लिए वी कैन राइट सी इज न्यू इनटू लैम्डा, सी इज न्यू लैम्डा। इसको ना डिफरेंशिएट कर दो, सी कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंशिएशन क्या होगी जीरो, न्यू एक बार कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, डी लैम्डा को मैथ्स में क्या लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा, प्लस लैम्डा बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू जिसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा न्यू। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, यहां तक यहां करेक्शन किया मुझे मालूम नहीं, चेक करना। ठीक है, वी तो नहीं है यहां पे, चलो ठीक है, ठीक है ना। यहां तक यहां से डेल्टा न्यू की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू माइनस न्यू डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय। ठीक हो गया यहां तक? कोई डाउट किसी को? आगे देखो प्लीज। ठीक है, डेल्टा न्यू मैंने ये भी निकाल दिया, डेल्टा न्यू मैंने ये भी निकाल रखा है, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं, एक ही बात है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लेना है, डेल्टा न्यू ये रहा, एक डेल्टा न्यू पीछे, ये मैंने इक्वेट कर लिया। कोई डाउट इसमें? स्टेप क्लियर है ना बुक में से? ठीक है यादव, दोनों डेल्टा न्यू को मैंने इक्वेट कर लिया और इसमें से न्यू से न्यू कैंसल, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा लैम्डा, मतलब मैंने डेल्टा न्यू भी निकाल दिया और मैंने डेल्टा लैम्डा भी निकाल दिया। डेल्टा न्यू को बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा लैम्डा को बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक, दोनों के आगे साइन क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना कैसे डिसाइड करना है कौन प्लस कौन माइनस। सपोज एक मिनट के लिए सपोज कर लो, अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लाइट की 10 है, स्टार हमारे पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 10 से ज्यादा दिखाई देगी, मींस 10 की जगह सपोज 12। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो मान लो जब फ्रीक्वेंसी 10 है तो वेवलेंथ भी मान लो 10 है एक मिनट के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लैम्डा की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ही बात है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? दोनों केसेस का मतलब क्या है कि स्टार हमारे पास आ रहे हैं। ठीक हो गया यहां तक? और अगर हम यहां से डेल्टा न्यू कैलकुलेट करें, डेल्टा न्यू यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और डेल्टा लैम्डा क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? फाइनल वेवलेंथ, इनिशियल वेवलेंथ इज नेगेटिव। इट मींस किसी भी न्यूमेरिकल में डेल्टा न्यू पॉजिटिव और डेल्टा लैम्डा नेगेटिव मींस स्टार हमारे पास आ रहे हैं। और उल्टा करें, नेक्स्ट केस में अगर डेल्टा न्यू नेगेटिव और डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव तो स्टार हमारे हमसे दूर जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, समझ आ गया कि साइंस ऑब्जेक्टिव में कैसे देख के लगाने हैं। और लास्ट है कि अगर डेल्टा ऑफ सपोज डेल्टा न्यू अगर पॉजिटिव है और डेल्टा लैम्डा नेगेटिव है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, कलर लाइट का ब्लू हो जाएगा। ब्लू कब? जब स्टार हमारे पास आ रहे हैं तो व्हाइट कलर की लाइट जो है वो ब्लू कलर लाइट में चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और उल्टा, अगर स्टार हमसे दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लैम्डा बढ़ गया, उस केस में कलर लाइट का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कब? जब स्टार हमसे दूर जा रहा है। ये चीज क्लियर है? तो अगर कलर ब्लू हो गया तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। डॉपलर ब्लू शिफ्ट, ब्लू का मतलब होता है
कि कोई भी स्टार हमारे पास आ रहे हैं, और रेड कलर लाइट अगर यूनिवर्स में ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब स्टार हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक यहां तक, तो ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। देखे गए हैं वो रेड देखे गए हैं, रेड कलर की शिफ्ट ऑब्जर्व की गई है, और रेड कलर की शिफ्ट का मतलब क्या है? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो ये सुना होगा यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, स्टार्स दूर दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, ये डॉपलर इफेक्ट का इससे प्रूफ निकाला गया। ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट का जो यूज है, पहला यूज है डॉपलर इफेक्ट यूनिवर्स की चीजों को स्टडी करने में हेल्प करेगा, दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। स्पीड निकालने की कोशिश करेगा, स्पीड कैसे? स्पीड मींस लेट से स्टार इज मूविंग। ठीक, स्टार की स्पीड निकालनी है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसीज पता लग जाए, न्यू डैश न्यू स्पीड ऑफ लाइट, तो मुझे पता है। तो शुरू में मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था अभी, न्यू डैश इज 1+V/c इंटू न्यू। अगर मेरे को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लाइट की मालूम है, मुझे ये फ्रीक्वेंसी कलर्स की मालूम है, मुझे सी मालूम है, तो यहाँ से स्पीड ऑफ क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। तो बैठे बैठे पता लग जाएगा कि कोई स्पीड जो है किसी स्टार की या प्लैनेट की क्या हो सकती है। दूसरी चीज डॉपलर इफेक्ट एक और चीज में काम आएगा, इसमें वीडियो के अंदर था भी, शायद नोट नहीं किया, पता नहीं इस वीडियो में था कि नहीं। इसमें यह था कि एक व्हीकल बहुत तेज से निकल गया, रडार सिस्टम, जैसे हम कार का चलान होता है, तो बेसिकली क्या है वो, कैसे पता लगता है कि आपकी स्पीड व्हीकल की कितनी थी? डॉपलर इफेक्ट से। तो एकदम जब कार निकलेगी तो एकदम साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वो कैसे चेंज होगी वो डिटेक्ट कर लेता है आपका मीटर, और उससे कैलकुलेशन करके स्पीड ऑफ व्हीकल निकाल के देगा। तो रडार सिस्टम यही है। ठीक है, यहां तक दिस इज बेसिकली डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एंड साउंड। ठीक है, यहां तक एक वीडियो और रह गई थी वो वाली, जो नोट 20 नोट्स की।
नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा यार, आर्टिस्ट में पढ़ी गए आर्टिस्ट में, मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज गिवन, फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज व्हाट। फ्रीक्वेंसी, आपको साउंड की स्पीड पता है, वी पता है, आप क्या लगाओगे, वी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, अगर आप मेरे को लैम्डा बता दो और स्पीड तो आपको गिवन नहीं है तो चेंज नहीं होगी, तो वहां से फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेट। तो अब यानी कि मुझे क्या निकालना है, पहले लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए एक चीज गिवन है, पाथ डिफरेंस ऑफ 40 इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। फॉर्मूला याद है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। मैंने वेव के अंदर जब इक्वेशन ऑफ वेव बन रही थी ना, तो मैंने बना के दिखाया था, ऐसे याद कर सकते हैं। यहां से देखो, अगर सपोज करो वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर करती है तो उसने फेज कितना कवर कर लिया, 2 पाई, या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर एंगल 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितने है, लैम्डा, अगर 1 है तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और अगर एंगल कितने है, 5, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, और ये 5 का मतलब क्या, फेज डिफरेंस। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। वैसे हमने ये फॉर्मूला प्रूव भी किया था कि पाथ डिफरेंस जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये आखिरी वाला फॉर्मूला क्लियर है, अब चेक कर लो, आपको क्वेश्चन में फेज डिफरेंस गिवन है, आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, वहां से लैम्डा कैन बी कैलकुलेट। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, तो आपको पार्ट डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस गिवन है, लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। देखो, तो सबसे पहले फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, मैंने बताया पार्ट डिफरेंस, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो, फेज डिफरेंस की जगह 1.6 पाई और पार्ट डिफरेंस की जगह 40, यहां से लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना प्लीज, 0.40 मीटर जितना भी आएगा, लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो वी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, न्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर, मेथड सबको समझ आ रहे हैं, इसमें कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व।
is watching two trains, one leaving and other is coming in with equal speed of 4 meters per second. Off hai ye. If they sound their whistles, each of frequency 240 hertz, number of beats heard by a man is what? Beats ka matlab difference of frequency. Jab sound ya car pass aa rahi hai, frequency zyada sunai degi. Jab dur ja rahi hai, frequency kam sunai degi. You have to calculate difference of frequencies. Wahi beats hai. To sabse pehli cheez, pehla formula lagao. When it is approaching, formula hame pata hai ki jab कार अप्रोच करेगी, पास आएगी, तो न्यू डैश इज वी वी माइनस वी एस इंटू न्यू. ठीक है ना यहां तक. और जब कार दूर जाएगी तो वी वी प्लस वी एस इंटू न्यू. ठीक है ना यहां तक. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है तो एक्चुअल तो न्यू है ही है. पहला केस है व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, दूसरा केस है व्हेन सोर्स इज रिसीडिंग अवे. दूर जा रहे हैं, दोनों फॉर्मूला लगा लिए. आपको क्वेश्चन में न्यू गिवन है, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, आपको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ कार भी गिवन है. यहां से वैल्यू आ जाएगी किसकी, न्यू डैश की और न्यू डबल डैश. पॉइंट्स आपको क्लियर है, तो यहां से आप वैल्यूज पुट कर लेना. आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो 240 गिवन है, मीन्स न्यू की वैल्यू 240 है. स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितनी, 320. तो स्पीड ऑफ साउंड आपको 320 गिवन है, 320. और वी एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, 4 गिवन है. क्लियर है यहां तक. तो यहां से न्यू डैश कैन बी कैलकुलेटेड एंड न्यू डबल डैश कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड. उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस करोगे. माइनस का मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब पीस. ठीक है यहां तक.
notes are arranged in increasing order of frequency in such a way that any two nearest tuning forks produces 4 beats per second. ठीक हो गया, 4 beats per second प्रोड्यूस हो रहे हैं. Highest frequency is twice that of lowest. तो बताओ lowest और highest क्या होगी. अरेंज करो, मान लो पहले की फ्रीक्वेंसी n है या f है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स है ना, तो लेट्स से n प्लस 4 है, तीसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, n प्लस 4 में 4 ऐड कर दें, n प्लस 8 हो गया. नेक्स्ट की कितनी है, n प्लस 12, 4-4 ऐड करते जाएं, और कितनी बार, 10 बार. नहीं तो मैथ्स के लोगों को एपी बनानी आती है, एपी बन गई. जिनके पास मेडिकल है वो अपने हाथ से 4-4-4-4 ऐड कर ले 10 बार. तो जब वो 10 बार ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, n n, और लास्ट वाला जो आएगा n प्लस 36 आएगा, n प्लस 14 ही आएगा क्योंकि पहला n है ना, तो आखिरी n प्लस 14 ही, एक 4 कम होगा, 36 ऐड कर लेना. जिनके पास मेडिकल है वो ऐड कर ले 10 बार. n प्लस 36 ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये लोएस्ट है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स लोएस्ट. n आ गया, n आ गया तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी एंड हाईएस्ट भी आ जाएगी. मेथड क्लियर है. और डॉपलर्स के आप वो पूरी की पूरी एज एन असाइनमेंट लो. ठीक, परसों मैं इसके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, आप चेक कर सकते हो. जो डाउट होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे. मैं अपनी तरफ से नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो तो एक बहुत बेसिक तो स्कूल लेवल के लिए है, आप जैसे मर्जी कर लो. फॉर्मुला बेस्ड है, सारे फॉर्मुला बेस्ड है, तो इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे. मैं आपको नए क्वेश्चन दूंगा जो कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन. ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी. एक घंटे का टेस्ट होगा या 40 मिनट्स का जितना भी मैं बनाऊंगा, उसके बाद क्लास भी होगी. तो आपने पूरे 5:30 आके टेस्ट शुरू कर देना है.